बहुत दिलदार आदमी। Hey दोस्तों, माय नेम इज अजिंक्य, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल ईट विद अजिंक्य। वीडियो लखनऊ का ही है, इंट्रो शूट करना भूल गया था या शायद फाइल डिलीट हो गई, मुझे नहीं पता, बट होता है, क्या करें, होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं वापस लखनऊ। वीडियो है चाट किंग ऑफ लखनऊ, चल के देखिए। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैंने पूरा वीडियो देखा हैरी उपल का, जी जी, उसमें आपने जिस मतलब वो जो शिद्दत से आप बनाते हैं ना अंदर, जी जी, मैं मेरे को खाने को बहुत पसंद है बिल्कुल। और मैं जब ऐसे रेस्टोरेंट जाता हूँ ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो मैं करता हूँ ऑब्जर्व। जैसे कभी खाने के लिए गया, और मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मेरा कभी होटल होगा, हाँ, कस्टमर बैठा है तो उसको कभी पानी मांगना नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल राइट, वही, क्योंकि मैं जब होटल में पानी मांगता हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो। बिल्कुल, पानी कैसे एक चीज़ है जो ध्यान रखना चाहिए यार। तो वो आपका जो बोला आपने कि जब पुणे में थे तब वो किसी ने कंप्लेंट की, जी जी, मैंने बंद कर दी ब्रांच। हाँ, अब देखिए होटल लाइन क्या है, ये लाइन बहुत नाजुक है, इस पर तीन चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और कस्टमर रिलेशंस। आपके कस्टमर से अगर ताल्लुकात बराबर नहीं मैचिंग कर रहे हैं तो शटर डाउन, बंद चलेगा ही नहीं, वो तो है। मैंने लाइफ में एक एक अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को, अपने चार प्रेमियों को छोड़ता नहीं हूँ। अगर रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है तो मैं चार्ट बनाते बनाते जाता हूँ, वेलकम, और दिल से। मेरे को वही बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कोई हमारा कस्टमर है या कोई हम जानते हैं कि मेरा प्रेमी आ गया है, वो दिल इतनी खुशी होती है जैसे आप बम्बई से आ गए। मैंने सारे काम कम से कम 200 लोग खड़े हमारे पास। मैं पहले वही सोच रहा था कि अभी भीड़ तो इतनी होती है, फेमस इतना है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि फेमस है और कोई बड़ा नहीं, अभी छोटा चैनल है जी, नहीं, बड़ा नहीं। चैनल होता है तो कैसे वो लोग करते हैं उन लोग को एंटरटेन, छोटे चैनल को कितने जन तो मना कर देते हैं, हमारा वीडियो बने हुए हैं पहले। अब से हमारे पास एक बच्चा आया है जिसके पास कम से कम नहीं यूट्यूब के लिए होंगे 2-3 लोग, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, हमने कहा नहीं आज छोटे हो तो कल बड़े बनेंगे, भाई ऐसे कोई तो बड़ा बनता नहीं, वो तो है भाई। आज आपके हम तो कहते हैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो तालियों से भाई, कोई भी ऑटोमेटिक तो हम बढ़ नहीं जाता। अभी हम तो कहते हैं कि भाई मेरे चैनल को मत लाइक करो, लेकिन जो मेरे दोस्त आते हैं उनके चैनल को जरूर लाइक करना, कि वो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा। अभी हम लोग तो गुजर गई ना, अब बारी आपकी है, है ना। वो तो है, आज काफी लखनऊ घूम लिया, बट शाम मैंने स्पेसिफिकली रखा था कि इधर आके शाम को। आपको मेरे शहर लखनऊ में बहुत तहे दिल से स्वागत और बधाई है, और मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा कचालू और खिलाएंगे। आपके हाथों से खाना है, वही सोचा था जाके मैं बोलूंगा तो कहीं आपको, पर पता नहीं कित कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। एक बंदे किसी को छोड़ता नहीं मैं नहीं, अभी कम से कम नहीं कितने, अभी देखिए पुणे के लोग बैठे, पुणे के आप इनसे भी जरा पूछेगा, है ना, पुणे से इनको भी डालेंगे, ये भी आते हैं जब भी लग जाते हैं गले, और काफी लोग बंबई से भी आए, सारे लोग बंबई के दिल्ली के खड़े रहते। मैंने जब वो वीडियो देखा था तभी ऐसा लगा था कि यार ठीक है जाएंगे, कभी जाएंगे, बट कब जाएंगे वो पता नहीं था, एक दिन जाएंगे, बट वो अभी हो गया ऐसा कि मिल गया। अरे हम लकी हैं यार, कोरोना के बाद मिले तो जी, वो भी जीते जी, जिंदा कोरोना में तो आधे लोग झरके मारे टपक गए, वही टेंशन था, बट ठीक है अभी सब, हम लोग टेंशन नहीं लिया लाइफ में, माइंड के अंदर लिए नहीं कि कोरोना है, अपनी मस्ती में मस्त रहे, है? और मिले इतना बड़ा कहर है, और आज सामने सबके सामने बैठे हैं बैठे आराम से, वो तो है। तो जो कच्चा आलू का चाट है वो आपके हाथ से खाना है, और बाकी सब मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर लूंगा, ठीक है, और उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ ये वेलकम, स्वागत है, ये देखिए पिपले सौदागर असली चटोरे यहीं पे लखनऊ से है। आप पुणे से? जी, मतलब वहीं पे रहते हैं? एक्चुअली मैं लखनऊ में रहता हूँ, वे आर बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके, इज माय सन, ही इज सर्विंग इन पुणे, और ये मेरी बहू है। नहीं, हमको खुशी इस बात की है कि कोई मराठी आदमी यहाँ आके अपना उन्होंने नाम कर लिया, इसके लिए हमको बहुत प्राउड फील होता है। वही अंकल ने पुणे में बंद कर दिया, पुणे में होता तो पास हो जाता हमें। चलिए अभी आपके हाथ से, चलिए अभी आपको कचालू खिलाते हैं बढ़िया सा, हैं? और आपको आपको भी तालियों से बधाई हो बहू के लिए, अच्छा नया हुआ है अभी अभी, ओके, कांग्रेचुलेशन, अंकल खड़े होकर दो बधाई, चलिए। नई नई शादी हुई है भैया की, वर और कन्या का दोनों को तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत बहुत बधाई हो,
अब हम चल के अंकल के हाथ से खाएंगे कच्चा आलू। कच्चा आलू चलो आ जाओ भाई, चलो मेरा दोस्त के लिए बना रहे हैं कच्चा आलू। देखो शुरू करो, रेडी? ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि फिनिश पॉइंट पे थे, लेकिन मुंबई से आए हमने कहा छोड़ेंगे नहीं। ये आपके लिए बनाने जा रहे हैं कच्चा आलू। ये नमक डाल दिया है भुना वाला, एक कुटी मिर्च डाली है और ये धनिया डाली है। आप ये डालेंगे इस पर, ये क्या डाला? जामुन का सिरका, झुंझुन आ जाएगी पूरी बॉडी। ये खत्म कहानी, लास्ट थी खत्म। अब इसको यूँ ये हुई ना बात, अब थोड़ा और डालेंगे इसके, नस नस लीक कर जाएगी। अब थोड़ी हरी धनिया डालेंगे, ये हरी धनिया डाल दिया। ये आपके लिए कचालू रेडी हो गया, अब थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं, टेस्ट कराएंगे, खिलाएंगे नहीं हैं। ये लो, ये कचालू रेडी हो गया। आप ये, अरे बेटा इसमें चने डाल दो। भैया नमस्कार, आप चलो आज का एक सिंगल टिक्की लगा, अब हम ही खिला ही देते हैं यार तुमको, तुम बहुत दिलदार आदमी। ये है ओरिजिनल चाट ना? हाँ, चाट का जन्म यहाँ से और अंत वहाँ से, अभी दोनों देख हैं। ये दूसरा ले लो, बारो खिलाया, अभी बास्केट का भी खिलाते हैं तुमको, बास्केट भी करते हैं तुम्हारे लिए, बढ़िया बनाते हैं एक बास्केट तुम्हारे लिए बनाते हैं। देखो आ जाओ, ये देखो आलू की टोकरी है, ठीक है, ये आलू की टोकरी और ये डाल दिया इसमें आलू टिक्की, ठीक है, और ये दही बड़ा डालेंगे, एक दही बड़ा डाल दिया और फिर डाला पापड़ी चाट, एक पापड़ी, फिर छोले आज मसालेदार छोले बनाए बढ़िया लल्लन ताप, और ये चाट मसाला, ये धनिया, हमारी थोड़ी स्प्लिट ज़्यादा रहती है इसलिए कवर करने में थोड़ी दिक्कत आती लोगों को। ये पापड़ी तोड़ दिया और ये चटनी, और ये चटनी अब इसको नहलाने जा रही, 1 2 3 एक नंबर ना, और ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर, और ये डालोगे गोरे हो जाओगे, और गोरे हो जाओगे सच में, लाल हो जाओगे ना। और ये हाथ मोला थोड़ा सा, ये हाथ मोला, चलो बास्केट रेडी। देखो ये इनका स्पेशल बास्केट है, मैं दही खाता नहीं पर मन कर रहा है खाने का, बट तकलीफ होएगा इसके लिए अभी नहीं खा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो अंकल के हाथ से बास्केट रेडी है जो मिल जाएगा किसी ना किसी को। नहीं नहीं ये देखो, ये खड़े हैं तुम्हारे इंतजार में, देखो ये देखो आपके लिए बन गया ना बढ़िया सा, ये मिल गया भैया को अंकल के हाथ से, अभी तुमको बढ़िया से खिलाते हैं। अभी मुझे कुछ देना नहीं, हाँ दे रहे, वो दे रहे बढ़िया दे रहे, अब तुमको एक ही पीस खिलाएंगे, ज़्यादा खा नहीं पाओगे जी। हम दो बास्केट एक पापड़ी चाट अंकल ये हमारे ही है। हाँ दोस्त तुम्हारे लिए बनाया, ये अपना बम्बई वाला जैसे रगड़ा पेटिस होता ना, इस तरह का तुमको बना रहे रगड़ा पेटिस। कांदा पाचे ना, कांदा भी पाचे भाई, एक कांदा भी डालेंगे दोस्त, कांदा किधर है, और ये कांदा डाल दिया, और ये डालेंगे हरी मिर्च, चलेगा नहीं डालेंगे सुबह बहुत याद आएंगे ना, ऑफिस जाना है, अच्छा नहीं तो सुबह याद करेंगे हमको। चलो ये भाई आपकी बन गई, हमारा छोला टिक्की बम्बई का रगड़ा पड़े जी है, चलो रेडी हो गया है। अंकल ने अपने हाथों से बना के दिया है आलू टिक्की चाट, जिसको मुंबई में रगड़ा पैटिस भी बोलते हैं, ट्राई करके देखते हैं। और हमारी भाभी मेरी जो भाई हुई मेरे गाँव में हमें फिल्म देती है, हैशटैग बहुत सही है, इतनी चीज़ें डली है इसमें, सबका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, खट्टा मीठा थोड़ा हल्का सा तीखा,
जो चाट मसाले डले हैं, धनिया सबका, खाने से तो पेट भरने ही वाला है, बट जिस तरीके से अंकल ने हमें वेलकम किया है, जितना बात किया अच्छे से, दिल खुश हो गया है। तो मैं पहले ये चाट ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। बट यार रखो लो, अब इनको बताओ फिर कुछ और सेटिस्फाइड कस्टमर। आ जाओ, आ जाओ, यहीं से है ना? मैं लखनऊ से हूँ प्रॉपर। अपने चैनल का नाम बता दीजिए। AJSJ Vlogs। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, जरूर देखना। और एक खास बताइए ना, कैसे लखनऊ आए तो एक बार जरूर विजिट करें रॉयल कैफे बास्केट चाट खाने, मतलब मजा आ जाएगा आपको। और हमसे मिलने जरूर आना है। अरे आपको ही मिलने तो आते हैं, हम इंतजार में रहते हैं पकाने के लिए। बिल्कुल नहीं, वीडियो बनाते बनाते मैं इतना, मतलब वीडियो बनाते नहीं, एक्चुअली अंकल से बातें करते हुए इतना भटक गया कि मैं वीडियो एंड करना भूल गया। सोचा था मैंने अंकल को लेके ही एंड करूँगा, थोड़ा आगे जाके मैं वापस आ गया। अभी अंकल को लेके वीडियो एंड करते हैं। तो आज का वीडियो ये वाला तो एकदम बढ़िया बन चुका है, मुझे बहुत मज़ा आया, आपको देख के ज़रूर मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर आपने कभी खाया है तो, नहीं खाया है तो आओ आओ यहाँ पे ज़रूर खाना अंकल के हाथ से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको बताना यहाँ पे आके खाने के लिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटा दबा देना, इनके भी चैनल का लिंक मैंने दे दिया है नीचे, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। और दैट्स इट, मैं मिलूँगा आपको अब अगले व्लॉग में। सो तब तक के लिए खाओ, खाते रहो, खिलाते रहो।